पिताजी, आखिर क्या बात है जिसकी वजह से आपका खिलता हुआ चेहरा मलीन है पिताजी? हाँ पिताजी, जाहिर करिए पिताजी। बोलिए, आज हम दोनों बेटों को किसलिए बुलाया गया है? बेटे, अगर तुम दोनों जानना चाहते हो कि हमने किसलिए बुलाया है, कि हम दोनों भाइयों को किसलिए बुलाया गया है? बेटे, तुम तो जानते हो हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है, आज तुम दोनों बुलाने कारण एक राज की बात बताना चाहता हूँ बेटे। पिताजी, कैसी बात है? राज की बात? वो कौन सी राज की बात है? बेटे, हम तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुम्हारा विवाह हो चुका है, अभी तुम्हारा गौना बाकी है, और हम क्या सोचते हैं क्यों ना महामंत्री विक्रम सिंह को भेजकर तुम्हारा गौना मंगवा लेते बेटे। महामंत्री विक्रम सिंह कहिए मेरे दानवीर सम्राट। महामंत्री विक्रम सिंह जीरा जीरा, हमारे बड़े बेटे का विवाह तो हो चुका है। वो तो हो चुका है राजन, अभी हमारे बेटे का गौना बाकी है। वो तो है, हम तुम्हें इजाजत देते हैं हमारे बेटे का गौना करवा देना, और जिस तरह अभी तक आपने नौकरी किया है इसी तरह हमारे बेटे के साथ तुम्हें करना है, और अपनी जिम्मेदारी इसी तरह निभाना है। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं रजन? मैं तो एक नौकर हूँ, जिस तरह मैं नौकरी कर रहा हूँ, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मैं आपकी नौकरी करूँ। महामंत्री करण सिंह, एक बात और बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है रजन? हम सोचते हैं कि अपने बड़े बेटे का राज तिलक करवा दे। बहुत अच्छी बात है, अपने बड़े बेटे का राज तिलक करवा दे, और इस रियासत का देखभाल और सारी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को पर सौंप दो। कैसी आपकी अच्छा राजन। दरबारी, राज दरबार से कुछ लाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ उपस्थित है। महाराज का शाही पोशाक उतार कर बड़े राजकुमार को पहनाया जाए। राम भरत कहो। अरे पिताजी, आप आज कैसा फैसला अपने दिल में ठान लिया है? भैया, अरे मैं इस राज को संभालने के योग न हुई हूँ पिताजी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा बोझा मेरे सर पर आप दे रहे हैं। चाचा जी, मैं कैसे निभा पाऊंगा? चिंता करने की बात नहीं है मेरे लाल, सब कुछ हो जाएगा। आज इस दुनिया में जिसके माँ बाप नहीं है वो कैसे जिम्मेदारी निभा रहा है लाल? सब कुछ करना पड़ेगा भैया। आओ दरबारियों, बड़े राजकुमार को शाही कोट पहनाया जाए। चाचा जी, आज मेरे भैया का राज्याभिषेक हो रहा है, उस बात की तो मुझे बेहद खुशी है, लेकिन लेकिन आज अचानक मेरे पिताजी के मन में ऐसी ख्याले आ गईं, उसकी मुझे चिंता है चाचा जी। देखो बेटा, कोई भी इंसान का चौथापन आ जाता है तो उसका दिल इधर उधर बहकने लगता है। क्यों नहीं चाचा जी,
बले राजकुमार को शाही मुकुट पहनाया जाएगा। बेटे गुलाब, हम तुमसे एक बात और बताना चाहते हैं। कहिए पिताजी। जिस तरह अभी तक अपने छोटे भाई को जितना प्यार देते थे, आज इसी तरह अपने छोटे भाई को भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझना। पिताजी, मैं आपका हुक्म सर आंखों से बजाऊंगा। क्यों नहीं बेटे? मैं अपने भाई को अपने से दूर नहीं करूंगा। बेटे, हमें देखो कोई बुला रहा है। पिताजी, छिप गया अब मेरे सर का साया, छिप गया अब मेरे सर का साया, कैसी विधि संसार का खेल है बेटे, ये तो दुनिया की रीत है।
जो आया है वो जाएगा जरूर। मेरे बेटे सबसे पहले चलकर महाराज का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है मेरे बेटे। भैया आज आज मेरे पिताजी हम दोनों भाइयों को छोड़कर चले गए। भैया मेरे बापू कहा को सीधारे। भैया मेरे बापू कहा को सीधारे, कौन नैया करेगा संस्कार करते हैं, उसके बाद जो जिम्मेदारियां पिताजी ने मुझ पर और चाचा जी करण सिंह पर दिया है वो जिम्मेदारियों को निभाना है मेरे भैया। बेटे चिंता करने की कोई बात नहीं है, सबसे पहले महाराज का अंतिम संस्कार करो। हम तुम दोनों राजकुमार को अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे, अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। चाचा जी तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है। चल फूल बाबू गिलास को उठाते हैं। चल मेरे लाल पहले महाराज का सो जाएगा।
महाराज का क्रियाक्रम हो जाता है। आइएगा दोस्तों, वही सेनापति करण सिंह शाही दरबार में पहुंचता है और गुलाब सिंह और फूल सिंह को बुलवाता है और गौने की तैयारियां करता है। उसके बाद ये कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है। महाराज के कहने के मुताबिक राजकुमार सयाना हो चुका है। क्यों नहीं मालिक? क्यों ना, भले राजकुमार का शादी तो हो गई है, गौना ला दिया जाए। सही बात मालिक, सही कहता हूं। राजकुमार को बुलाया जाए। चाचा जी, राजकुमार, हम सोचते हैं कि आपका गौना ला दिया जाए। हाँ चाचा जी, जैसे पिताजी ने मरने से पहले हुक्म दिया था तुम्हें कि मेरा गौना अभी बाकी है। चलो सभी लोग तैयारी करते हैं और चलकर विदाई की तैयारी करते हैं। मेरे पास आओ, 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 आओ। ये सुख दुख तो जीवन में आता रहता है मेरे लल। आज के बाद आंख से आंसू नहीं निकलना। चलो हम तुम्हारे गौने की तैयारी करते हैं और तुम्हारे ससुराल वाले को सूचित कर देते हैं, क्यों अपनी तैयारी बना ले और हम लोग गौना लेने आओ। चलो चलो मेरे साथ। चाचा जी, सभी व्यवस्था हो गई है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तैयारियां सारी हो चुकी है, तुम लोग इधर आओ। तुम लोगों ने बैंड बाजे का प्रोग्राम किया है या नहीं? बैंड बाजे का प्रोग्राम किया है। सबको बयाना दे चुके हो ना? जी। और अकस बाजों को, गोला वालों को, सबको सूचित किया है। अरे तो अभी कोई ना गोला बज रहा है, ना ही तो कोई बैंड बाजा वाला बज रहा है, ये कैसी तैयारियां हैं? अरे हमारा गौना लेने चल रहे हो तो धूमधाम के साथ चलना चाहिए ना। आप चलिए, हम बाजा बाजा गोला तमाशा सब करके आ रहा हूं। ए चलो चलते हैं। ए भैया, खोल भैया, तुझसे गहना है। लेकिन भैया आज कितने खुशी का टाइम है, जिस माँ के प्यार के लिए हम बचपन से तरसते रहे, आज मेरी भाभी आ जाएगी, मेरी भाभी मुझे माँ का प्यार देगी। अरे क्यों नहीं, बड़ी भाभी माँ की सम्मान होती है। खुशी भी है और गम भी है, काश इस दुनिया में पिताजी भी होते कितना अच्छा होता। अरे तो सब चाचा जी संभालेंगे। चाचा जी जब तक जीवित है, चलो आप को तैयार करते हैं और बाकी हम गोला बाजा सबको करके आते हैं। अब चलिए, ठीक है सभी, चलिए चलो चाचा जी, अभी चलिए छोटे राजकुमार, चलिए ठीक है। हरे राम। देखो राज कुमारी यानी महाराज का गौना आने वाला है। हाँ मालिक। गोला वालों को कर लीजिए और बाजा वालों को कर लीजिए।
दोनों को करके और दिन शायद बताना क्या है, कल चलना है दुल्हन आने के लिए, तुरंत फराक काम करो और फराक से आओ, बहुत अच्छी बात, पूरी तैयारी हम बना के रखते हैं, आओ। गोला वाला कर लियो, हाँ तय ठाक ठो फुस वाले न करो, जौन गोला जगा साला गांव जल जाए, बरात अटने गोला फेंक दियो पूरा गांव भाग जाए, गांव छोड़ के धाय धाय बचाए, ऐसा ना हुए गोला दगाई लागे दुल्हा भड़क जाए, दुल्हा न भड़क पाई, आओ बता भाई, ए तेरी की ओ गोला वाले, ये बताओ तो पहले परे टीओ टीओ भी चला गोला वाले, ये बताओ तारीख तारीख बुध दिन 27 सही ना भैया, नहीं नहीं का काम गलत थोरो है, हाय अरे वाह भैया तूने तैयारी कर ली ना, हाँ भैया चल आज तेरी भाभी का गौना घर आना है और सभी लोग धूमधाम से चलते हैं और आज हम अपना गौना घर आके आते हैं, चलिए भैया चलो चलते हैं, ये तेरा बैंड बाजा और ये सब अतस्वास कहाँ गए, ना तो कोई बैंड बाजा बज रहा है ना ही तो कहीं गोले दग रहे हैं, ए गोला वालों गोला दगाओ, झोल सिंह भैया मास्टर साहब, ए हाँ भैया, दो दीवाने दिल के चले हैं दिल के, ए मेरे भाई, हाँ भैया दो दीवाने दिल के चले हैं दिल के, चले हैं चले हैं ससुराल, दीवाने कह दे तू भी कह दे, अरे आए हम बराती, आए हम बराती बारात लेके